फ्रेंड्स, ये है अपनी रेड बलिनो। करीब 2 महीने पहले हमने लगवाई थी अपनी गाड़ी में मिजो प्रीमियम की सीएनजी किट, और 2 महीने बाद हम करने जा रहे हैं किट का रिव्यू। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दबाएं इस बेल आइकन को ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 2 महीने पहले हमने लगवाई थी अपनी गाड़ी में सीएनजी, और आज मैं करने जा रहा हूँ सीएनजी किट का रिव्यू। लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा तो नहीं चली है, लेकिन फिर भी 2 महीने में जो है लगभग 3,500 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। जैसा कि आप देख सकते हैं मीटर पर 17,463 हो रखे हैं, और जब सीएनजी लगवाई थी उस समय जो है ये रीडिंग जो है 14,000 के करीब थी। तो लगभग 3,500 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, और इन 3,500 किलोमीटर में गाड़ी जो हाईवे पे भी चली है और सिटी में भी चली है। हाईवे पे जो है इसने 35 या 36+ दिया था, और सिटी में जो है 32+ एवरेज देती है। और हाईवे पे जो है करीब फुल सीएनजी टैंक में, मेरे सीएनजी टैंक में जो है 70 लीटर का टैंक लगा हुआ है, जिसमें 10.25 किलो गैस आती है, तो उसमें करीब जो है 400 किलोमीटर चली थी विदाउट एसी, और विथ एसी जो है 360 किलोमीटर चली थी। मतलब हम कह सकते हैं कि लगभग पर केजी जो है गैस में ये बिना एसी के जो है 39 मान सकते हैं हम कि 39 किलोमीटर चल रही है पर केजी विदाउट एसी, और विथ एसी जो है ये करीब 36 किलोमीटर चल रही है। तो माइलेज बहुत अच्छा है, नो डाउट, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में। 2 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ और किसी भी तरह का इशू नहीं है। एक छोटा सा मामूली सा इशू था, जो पीछे के जो रियर सोकर थे वो थोड़े से दब गए थे हैवी सिलेंडर की वजह से, तो वहाँ पर जो हमने लगवा लिया था अपने गाड़ी में बफ़र पैड्स लगवाए थे। और वो बफ़र पैड्स आपको कहाँ से लगवाने, किस तरह से लगवाने और वो कितना यूज़फुल है, इसके लिए अगर आपको जानना है तो मेरी जो है पिछली वीडियो में आप देख सकते हो, ऊपर आई बटन पे जो है एक लिंक आ रहा है, वहाँ से आप देख सकते हो उस वीडियो के बारे में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी गाड़ी सीएनजी की है उन्हें वो वीडियो देखना ही है, क्योंकि बिना बफ़र पैड्स की गाड़ी में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा चलाने में, क्योंकि पीछे से गाड़ी थोड़ी दब जाती है। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं जो है फिर से आपको ब्रीफ में जो है सभी पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ, और अगर आपको डिटेल में सीएनजी किट के बारे में जानना है कि किस तरह से कौन सा पार्ट क्या काम करता है, तो मेरी पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे जो लिंक आ रहा है उस लिंक पे आप क्लिक करके जो है सीएनजी किट का जो है डिटेल वीडियो इंस्टॉलेशन का आप देख सकते हो। उसमें मैंने डिटेल में जो है सभी पार्ट्स कवर किए हैं, ब्रीफ में हम जो है यहाँ पर भी कवर करेंगे। सीधे हम चलते हैं इंजन बे की तरफ। बलेनो का इंजन बे आप देख सकते हैं, काम इतना नीट एंड क्लीन है कि पता ही नहीं चलता कि इसमें सीएनजी लगी हुई है। एक बार ब्रीफ में हम किट के सभी पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले है जहाँ से सीएनजी भरी जाती है, इसे कहते हैं रिफिलिंग वॉल। ये है सीएनजी का रिफिलिंग वॉल, मिजो का कंपनी का है। यहाँ से इस नॉब को हटा के यहाँ से सीएनजी भरी जाती है स्टेशन पर। सीएनजी जो है यहाँ से सीधे जो है पीछे डिक्की में लगे टैंक में जाती है इस पाइप के थ्रू। मैं आपको सीएनजी टैंक के को दिखाता हूँ किस तरह से प्लेस्ड है। यह 14 किलो का ये सिलेंडर है। स्टेपनी जो है वो सिलेंडर के नीचे ही है, वहीं है जहाँ पर कंपनी फिटेड रहती है। बस निकालने के लिए हमें अंदर की तरफ से सीट फोल्ड करके निकालनी होती है। इस तरह से ये है सीएनजी टैंक, 70 लीटर का है। फिर से हम आगे चलते हैं एक बार और ब्रीफ में सभी पार्ट्स देख लेते हैं। फिलिंग वॉल से गैस सीधे टैंक में जाती है, टैंक से गैस सबसे पहले रिड्यूसर में आती है। यह है रिड्यूसर, इसका काम होता है हाई प्रेशर गैस को लो प्रेशर गैस में कन्वर्ट करना। टैंक में गैस 200 बार की होती है और ये जो है इसे 1 से 2 बार में कन्वर्ट करता है। रिड्यूसर से गैस सीधे रेल्स में जाती है। इन रेल्स का काम गैस को इंजन में पंप करना या डालना होता है। बलेनो में 4 सिलेंडर इंजन आता है,
और इसलिए जो है चारों रेल्स काम आती है, जबकि ओल्ड वैगन आर, सेलेरियो, ऑल्टो 800, इन गाड़ियों में जो है 3 सिलेंडर इंजन होता है, तो उनमें जो है 3 रेल्स ही काम आती है, एक रेल फ्री रहती है। ये 4 गैस पाइप हैं जो नीचे इंजन से कनेक्टेड रहते हैं, 1, 2, 3 और 4 पाइप हैं, यहाँ से गैस अंदर इंजन में जाती है। और इंजेक्टर रेल्स के बीच में एक पार्ट और होता है, इसे कहते हैं मैप सेंसर। ये है इसके नीचे मैप सेंसर, आप देख सकते हैं। इस मैप सेंसर को एक प्रेशर सेंसर भी कहते हैं। ये मैप सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये इसका काम होता है एग्जैक्ट प्रेशर को मेज़र करके सॉफ्टवेयर को भेजना, कंट्रोल यूनिट को भेजना। और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो है इस प्रेशर के हिसाब से ही जो है कंफर्म करती है कि गैस कितनी भेजनी। अब हम बात करते हैं किट के सबसे मेन पार्ट की, या यूं कहें हार्ट ऑफ किट, जो कि है ECU। ECU मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, या आम भाषा में इसे सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसका काम रहता है जब गाड़ी CNG में कन्वर्ट हो जाती है तो सभी पार्ट्स को, सभी चीज़ों को कंट्रोल करना। जिस तरह से पेट्रोल गाड़ी के लिए जो है पेट्रोल का ECU होता है, उसी तरह से जब गाड़ी CNG में कन्वर्ट हो जाती है तो उसके लिए CNG का ECU होता है। और ये जो है कम्प्लीटली जो है कंट्रोल करता है गाड़ी को। ये पेट्रोल का ECU है। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जब भी हम CNG स्टेशन पे CNG फिल करवाने जाते हैं, अगर CNG किट इंस्टॉलर शॉप की प्लेट इंजन पे कहीं पर भी नहीं लगी हुई है तो CNG पंप गैस भरने से मना कर सकता है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखना, ये प्लेट आपको ज़रूर लगवानी है, ध्यान रहे। तो ये थे CNG के मेन पार्ट्स। लास्ट में एक पार्ट और है जो लगा है गाड़ी के अंदर की साइड में, स्टीयरिंग के पास में। इसे कहते हैं CNG स्विच, जो बताता है CNG से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो जानते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स जो हमने देखा था इंजन बे के अंदर जो प्रेशर गेज था, जो प्रेशर इंडिकेट कर रहा था, वो प्रेशर जो है वो सिग्नल भेजता है गाड़ी के अंदर की साइड में। जो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक स्विच लगा हुआ है, ये वाला स्विच है, मीजो कंपनी का ही है। और ये स्विच जो है वो उस प्रेशर गेज से कनेक्टेड रहता है और यही बताता है कि गाड़ी में जो है कितनी CNG अभी बाकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जो है लेफ्ट साइड में 4, 1, 2, 3, 4 और R लिखा है, और राइट साइड में नीचे की तरफ G लिखा है और ऊपर की तरफ जो है पेट्रोल का साइन है। मैं एक मिनट आपको गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गैस की लाइट ब्लिंक कर रही है। जब तक ये लाइट जो है ब्लिंक करेगी तब तक गाड़ी जो है गैस पे कन्वर्ट नहीं होगी है, पेट्रोल पे ही रहेगी। ऊपर जो है पेट्रोल की लाइट जो है वो स्टेबल है। जैसे ही जो है गाड़ी पेट्रोल से CNG में कन्वर्ट होगी, पेट्रोल की लाइट हट जाएगी और CNG की जो लाइट है नीचे वाली G, वो ब्लिंक करना रुक जाएगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि पेट्रोल की जो लाइट है ऊपर वाली राइट साइड में, ऊपर की तरफ जो लाइट थी वो रुक गई है, हट गई है, और नीचे की जो G लाइट है वो स्टेबल हो गई। इसका मतलब अब गाड़ी जो है कम्प्लीटली गैस पे आ गई है। लेफ्ट साइड में जो आप लाइटें देख पा रहे हैं, अभी जो है 2 लाइटें हैं। जब टैंक फुल होता है तो 4 लाइटें आती है, 1, 2, 3 एंड 4, और R फॉर रिजर्व। जैसे पेट्रोल में रिजर्व होता है, इसी तरह से गैस में भी जो है जब टैंक खाली होने वाला होता है तो थोड़ी सी जो है जब गैस बची होती है तब ये R की लाइट आती है। तो फ्रेंड्स गाड़ी जो है स्टार्ट हमेशा पेट्रोल पे होगी, और एक डेफिनेट टाइम के बाद, जैसा कि जो है CNG किट इंस्टॉलर सेट करते हैं नॉर्मली, जो है ये 10 से 15 सेकंड का सेट करते हैं, 20 सेकंड का भी कोई सेट कर देता है। अपनी गाड़ी में जो है 20 सेकंड का सेट किया हुआ है, 20 सेकंड और जो है RPM, जैसा कि अपनी गाड़ी में जो है 1600 RPM सेट किए हुए हैं। तो 1600 RPM और 20 सेकंड के बाद 1600 RPM पहुंचते ही जो है गाड़ी ऑटोमेटिकली जो है पेट्रोल से CNG में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर गाड़ी खड़ी है और 1600 RPM तक नहीं पहुंची है तो गाड़ी पेट्रोल पे ही रहेगी, CNG में कन्वर्ट नहीं होगी है।
तो इसलिए जो है ये बेटर है कि जैसे ही हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और थोड़ी दूर तक हम चलते हैं, जब तक 1600 RPM तक गाड़ी नहीं चलेगी तब तक ये जो है पेट्रोल पे ही रहेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए जो हमें ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम गाड़ी को पहले पेट्रोल पे चलाएं, स्टार्ट होते 1-2 किलोमीटर तक पेट्रोल पे ही चलाएं, क्योंकि जो है किट इंस्टॉलर जो ऑटोमेटिकली जो है पहले सेट कर देते हैं कि आपका 20 सेकेंड तक गाड़ी जो है पेट्रोल पे ही रहेगी, उससे पहले नहीं आएगी, भले ही 1600 RPM भी हो जाए तो भी नहीं आएगी, तो 20 सेकंड के बाद ही कन्वर्ट होगी। उसके बाद भी जब तक 1600 RPM तक नहीं पहुंचेगी तब तक जो है गाड़ी जो है पेट्रोल से CNG में कन्वर्ट नहीं होगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आपके पेट्रोल इंजन पे बिल्कुल भी असर नहीं होता गैस का, और गाड़ी जो है बहुत लंबी चलती है, उसकी लाइफ गाड़ी की बनी रहती है। और ये था गाड़ी का जो है बेसिक किट के बारे में। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि आजकल जो है किट इंस्टॉलर जो है वो बहुत जल्दी में रहते हैं, और जो सिलेंडर की जो फिटिंग है वो इतनी फटाफट करते हैं कि इससे जो है हमारी जो डिक्की की जो चादर होती है वो फट जाती है। कई गाड़ियों में जो है डिक्की की चादर बहुत हल्की आती है, जैसे अपनी बलिनों में भी जो है थोड़ी सी डिक्की की जो चादर है वो हल्की है। तो इसके लिए भी मैंने जो है थोड़ी सी रिसर्च करके फिर जो है सिलेंडर फिट करवाया था, तो मैं भी आपको दिखाना चाहूँगा एक बार फिर से। मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने बताया, मैं चलता हूँ आपको पीछे की तरफ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, आमतौर पर जो है सिलेंडर जो है किट इंस्टॉलर इस जगह लगवाते हैं, ये आवाज़ आप सुन सकते हैं, और एक ये आवाज़ आप सुनिए। अगर हम जो है किट इस जगह पर लगवाएंगे सिलेंडर, तो ये चादर बहुत हल्की है, नीचे कोई बेस नहीं है, जबकि जो है ये आप देख सकते हैं इस तरफ ये वाला जो पार्ट है ये बहुत मजबूत है, इसके नीचे जो है एक बेस लगा हुआ है, एंगल टाइप स्ट्रक्चर है, और ये बहुत मजबूत होता है। देखिए आप, इस तरह से लगवानी है आपको, इस जगह पर नहीं लगवानी, ये बहुत हल्की चादर है, इसी तरह से उस तरफ भी आपको ध्यान रखना है। चादर में होल ना करवा कर आपको उस एंगल में होल करवाना है जो एकदम राइट साइड में है, इसी तरह से एकदम कोने पर जो है ये वाला जो पार्ट है ये बहुत मजबूत है, इसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, किट इंस्टॉलर इस तरफ जो है बिल्कुल ध्यान नहीं देते, इससे जो है आपका 6 महीने 1 साल बाद जो है ये पार्ट जो है चादर फट जाती है और हमें वापस जाना पड़ता है। यहाँ लगवाने से जो है इंजन की इस चादर की जो लाइफ बनी रहती है, और गाड़ी में किसी भी तरह की चू चू की आवाज़ भी नहीं आती, अदरवाइज़ यहाँ पर करवाने से जो है ये बहुत जल्दी फट जाती है, और इसके लिए जो हमें फिर से जो है किट इंस्टॉलर के पास जाना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं 14 किलो का सिलेंडर है, 70 लीटर भी बोलते हैं जिसे, सिलेंडर थोड़ा बड़ा था तो एकदम पीछे की तरफ आया है, और टायर जो है अपनी जगह पे ही है, बस जो है निकालते समय हमें आगे की जो सीट्स हैं उन्हें फोल्ड करके ही निकालना पड़ता है, कुछ लगेज भी रखना है तो हमें सीट फोल्ड करके ही रखना पड़ता है। ये है सिलेंडर फिटिंग की गाड़ी के नीचे से फिटमेंट, जहाँ पर 2 स्क्रू दिखाई दे रहे हैं, आपको सिलेंडर इसी जगह पर फिट करवाना है। ये जो एंगल टाइप स्ट्रक्चर दिख रही है वो बहुत मजबूत है, इसके पास की जो चादर है वो हल्की है, तो हमें चादर में फिटिंग नहीं करवानी है, हमें जो है जहाँ स्क्रू दिखाई दे रहे हैं, जहाँ नट दिखाई दे रहे हैं 2, उसी जगह पर ऊपर से जो है टैंक फिट करवाना है, इससे जो है गाड़ी की डिक्की को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।